हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर ए आर टेक स्टोर पर। और आज हम वीवो के नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे। वीवो में अनवांटेड नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे कि हम कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और बीच में कोई भी ब्राउज़र का या ऐसे कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और कोई गेमिंग वगैरह करते वक्त भी नोटिफिकेशन आए तो उसको भी कैसे बंद करें, वो आज हम सारी बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले हम अपने फ़ोन की सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग खोल लिया, उसके बाद में हमें गूगल ढूंढना है। गूगल गूगल, ये गूगल मिल गया। इसमें गूगल में जाने के बाद हमें सबसे पहले ऐड ऐड पर इसको अलाउ कर देना है। इसके बाद में हमें ऐड आना बंद हो जाएगी और ऐड बाय गूगल इसको क्लिक किया। अभी मैं डाटा ऑन कर लेता हूँ। थोड़ा डाटा ऑन करने के बाद हमें यहाँ से एक फीडबैक भेजना होगा। ये यस कर दिया मैंने, फीडबैक भेज दिया। अभी नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे गूगल के तो। और बाकी हमें क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो क्रोम ब्राउज़र से भी नोटिफिकेशन आते हैं, उसको कैसे बंद करें वो भी आज हम बताएंगे। क्रोम ब्राउज़र खोल लेते हैं। इसके बाद ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक किया, नीचे सेटिंग सेटिंग पर क्लिक किया। इसके बाद में हमें नोटिफिकेशन खोलना है। नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन ये ऑन है, नोटिफिकेशन को मैंने ऑफ़ कर रखा है ताकि कोई नोटिफिकेशन ना आए। इसके बाद में हमें फ़ोन का जो ब्राउज़र होता है उससे भी नोटिफिकेशन आते हैं, तो हम फ़ोन के ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं। नीचे थ्री डॉट पर सेटिंग खोल लिया। सेटिंग खोलने बाद में नोटिफिकेशन सेटिंग, ये नोटिफिकेशन में हम सबसे पहले पुश नोटिफिकेशन को इसको ऑफ़ कर देते हैं, अलाउ डस नोटिफिकेशन इसको भी ऑफ़ कर देते हैं। इसके बाद में हमें काफ़ी हद तक नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएंगे और ये जो पॉपअप ब्लॉक है इसको भी हम ऑफ़ कर देते हैं। ऐड ब्लॉक में जाकर ऐड ब्लॉक को हम, जैसे कि ये ऑफ रहता है डिफ़ॉल्ट, और आपको इसको ऑन करना है। इसके बाद में आपको नोटिफिकेशन आना काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी टेक्नोलॉजी से वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।